अपना भविष्य खुद लिखो, इसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे लड़के लोग मेरे पास में आते हैं और वो पूछते रहते हैं कि कौन सी लाइन लेना चाहिए, आगे चल के क्या करना चाहिए, IAS बनना है, IPS बनना है कि डॉक्टर बनना है, वकील बनना है। कोई उनका ठिकाना नहीं है, कोई गोल्स पक्के नहीं है, भविष्य में क्या करना उनके लिए ऐसा कन्फ्यूजन वाला रहता है। उनको लगता है कि किया मतलब क्या करना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। ग्रेजुएट हो जाते हैं BA BCOM और बाद में फिर MPSC UPSC के एग्ज़ाम्स देते रहते, बोले IAS बनना है, IPS बनने का है, या MPSC के थ्रू सिलेक्शन होके DYSP बनना है, या SDO बनने का है, जो भी, या बड़ी पोजीशन में Class 2 Class 1 ऑफिसर बनने का है। देखिए, मगर आज लाखों लोग IAS को बैठे हैं, करीब करीब 10 लाख लोग हमारे देश से ज़्यादा ही होंगे, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं है, 10 लाख लोग बैठे होंगे एग्ज़ाम को। उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, हो सकता है कि 2,500-3,000, और उसमें से कुछ चंद लोग सैकड़ों में बाद में फाइनल सिलेक्शन उनका हो जाता है। फिर इतनी बड़ी कंपटीशन में यदि हम गए तो हमारे कितने चांसेस है सिलेक्शन होने के। या काफ़ी सारे लोग डॉक्टर बनने के लिए उत्सुक है, इंजीनियर बनने के लिए उत्सुक है, उनको लगता है कि वो करियर अच्छा है, मगर कॉम्पिटिशन कितनी है, कितने कॉम्पिटिशन में अंदर जाएंगे, कितनी कॉम्पिटिशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए करना क्या पड़ेगा हमको, जो दायरे में लोग जीवन जी रहे या दायरे में सोच रहे कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनने का है, MPSC देने का है, मतलब ऐसे 3-4 लाइन में लोग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, या फिर कोई BE कंप्यूटर कर लो और फिर बाद में कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ले लो, तो इससे अच्छा भाई दायरे के बाहर सोचना है क्या। एक सोचे कि दायरे में जीना, जो चल रहा है बाकी लोग कर रहे हैं वो कंपटीशन में जाना, जहाँ भीड़ है वहाँ चले जाना। दूसरा है दायरे के बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, भाई बाहर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। लोग बोलते नहीं मेरा पैशन है, समझो डांस का पैशन है, भाई डांस का पैशन है तो डांसर बन के क्या करेगा, प्रॉब्लम नहीं है, मगर अभी से डांस का पैशन है करके उसमें कॉम्पिटिशन कितनी है, उसमें क्या डिमांड है, दुनिया में डिमांड है क्या डांसर बन के डांसर का करियर बनाने के लिए, या फिर और कुछ मैं कर सकता हूँ, डिमांड मेरी जरूरत क्या है, मेरा पैशन है वो मैंने करना है, बहुत अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, मगर दुनिया को उसकी जरूरत है क्या। यदि मैं मेरी जरूरत पूरी करने के लिए काम कर रहा हूँ तो फिर जो कंट्रोल है वो लोगों के हाथ में, दुनिया में हाथ में कंट्रोल है, लोगों को क्या चाहिए उसमें कंट्रोल है, दुनिया को क्या चाहिए यदि वो मैंने जान लिया कि डिमांड क्या है और वहां से मैंने फिर वो सप्लाई करने की कोशिश किया, तो फिर मेरी बागडोर मेरे हाथ में है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं क्रिएटिविटी क्या कर सकता हूँ, क्या नई क्रिएटिविटी क्या ला सकता हूँ, क्या नया उत्पादन कर सकता हूँ, क्या उत्पत्ति नहीं कर सकता हूँ कि जो लोगों की जरूरत है। एक समय ऐसा था, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि एक समय ऐसा था कि जहाँ लोग अपनी सूटकेसेस खुद उठा के या बैग्स खुद उठा के लेके जाते थे, और बहुत वजनदार बैग हाथ में उठाना या सिर के ऊपर रखना लोगों के लिए तकलीफ वाला कार्यक्रम था। किसी ने सोच लिया कि मैं उसको चक्के लगा सकता हूँ, व्हील्स लगा सकता हूँ, और उसने उसको व्हील्स लगा लिए, अभी बैग उठाने की जरूरत नहीं, व्हील से बैग चलती रहती है, और उसका उसने पेटेंट ले लिया और करोड़ रुपए कमा लिए। तो दुनिया को क्या जरूरत थी वो उसने सोचा। तो हमको ये देखना है करियर बनाने के समय, और मैं लोगों को ये बोलता हूँ बच्चे जब आते हैं तब, कि भाई दुनिया को क्या जरूरत है, लोगों को क्या चाहिए, और फिर वो हम करते हैं तो हम करियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिर बाद में एक तो है कि मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, वो काम करो, उसकी डिमांड नहीं है तभी फिर वो करना है तो फिर आप स्ट्रगल करोगे। मगर ऐसा कुछ है कि जो पैशन भी है और दुनिया को भी जरूरत है, ऐसा करे उसका यदि कोऑर्डिनेशन कर लिए तो बहुत ही अच्छा है, और फिर उसमें मजा करोगे। ये भी हो सकता है कि मेरा पैशन नहीं है मगर दुनिया में वो जरूरत है, वो मैं क्रिएट करता हूँ, और बाद में फिर वो पैशन मेरा कर लेता हूँ, बाद में मैं इंटरेस्ट कर लेता हूँ, तो भी चलता है। तो एक तो आपके इंटरेस्ट का काम करो, या जो काम आप कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट पैदा करो। मैं एकदम बोलता हूँ कि चूज ए जॉब ऑफ योर चॉइस, चूज ए जॉब ऑफ योर इंटरेस्ट, चूज ए जॉब ऑफ योर पैशन, एंड देन यू डिड नॉट हैव टू वर्क इवन फॉर ए सिंगल डे इन लाइफ। फिर जिंदगी में एक दिन भी काम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो काम काम नहीं रहेगा, वो तो आपका पैशन है, वो तो आपका इंटरेस्ट है, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी है। मेरा फाइनल मैसेज क्या है कि दायरे में सोचना है कि दायरे के बाहर जाके सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, और वो यदि आपने सोचा तो आपको जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, और अपना एक बहुत बड़ा नाम होगा, आपका बहुत बड़ा करियर होगा। आपके भविष्य के लिए हार्दिक मनोकामनाएं। ये लोग हमको ऑनलाइन काउंसिलिंग करते हैं, ऑनलाइन पूछते रहते हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ कॉन्टेक्टेबल है, आप कॉन्टैक्ट हमको कर सकते हैं, और फिर यहाँ भी लोग हमारे यहाँ लेके आते हैं पेशेंट को,
और उनका इलाज करते हैं, मनोरुग्ण को हम या शराबी लोगों को हम इलाज करते हैं, उनको रिसारों के साथ में भर्ती करते हैं, रिसारों के अलावा भर्ती करते हैं, एडमिशन करते हैं और उनका इलाज करके उनको अच्छा जीवन देते हैं। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसके लिए आप भी हमारे पार्टनर बनो, ऐसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोग अपना करियर बनाएंगे। मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत हमारा कार्यक्रम है, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो, क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।